कंगन रोड है और ये पूरा जाम बना हुआ है। तो ये इस वजह से है क्योंकि पीटीआई वालों के लिए डॉक्टर रमजद अली खान ने दावत की थी। लेकिन खैर प्रोग्राम होगा ना, मैं नहीं गया था, मैंने अपने घर में खाना खाया। गनी खान की ये गजल क्या करे, ये सुनसान रातें और सुनसान सड़क और ये जुपदे पहागे नेम को मस्जिद का बुतखाना था जो जानान पर की उसीगी हम हगा जमा का बदा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। आपके भाई की गाड़ी यहाँ पे खड़ी है और आपका भाई बाहर निकला हुआ है। आप लोग ये देख सकते हैं, ये लंगर रोड है और ये पूरा जाम बना हुआ है। तो ये इस वजह से है क्योंकि पीटीआई वालों के लिए डॉक्टर रमजद अली खान ने दावत की थी। नहीं, रोटी खोले ली ना, और पूछ तो मैं कहते हैं जरा टूली शुंडी खोली दी खटेटा रोटी खोले ले दा। मामा जी एकम जी ने रागले मैडम ना प्रोग्राम हो को खोले प्रोग्राम हो माशाल्लाह वे ने ना किती पीती में छुड़ गयो सरम रागली थी। सो बस एवरीवन एंजॉय कई दावे ने दबर नास्ती ख खुशाल दी। सो पीटीआई वन द इलेक्शन, मेरी गाड़ी वहां पे खड़ी है, बस छोड़ो मैं वैसे जाता हूँ आप लोगों को ये सब दिखाता हूँ। पूछा मैंने कुछ? खैर आप लोगों का वेलकम हो गया तनवीर के एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे पेज को भी लाइक करें और फॉलो करें और वीडियो को भी लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। खैर आप लोग ये सब देख सकते हैं, पूरा रश लगा हुआ है, लंगर रोड बिल्कुल बंद है, वो इस वजह से कि बस प्रोग्राम है और ये सब लोग आए हुए हैं। खैर जी, तो खैर पब्लिक में व्लॉग बनाने का अलग ही मज़ा होता है और व्लॉग यहाँ पर स्टार्ट करने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो मैं गुलीना को छोड़ रहा था वहाँ टेटा बट, लेकिन यहाँ पे देखा तो बिल्कुल रोड बंद है और कोई रास्ता निकलने का है ही नहीं। हाजी सा ख्वाले दर्श उठ चालो और कड़ाओ डॉक्टर रामचंद ला प्रोग्राम हूँ खोड़ो गाड़ ये सब बाबू गए हुए थे। तो खैर अब मसला हमारे लिए है, ट्रैफिक बंद, रोड बंद, जली ना तेरी भी जली ना। लेकिन खैर प्रोग्राम होगा ना, मैं नहीं गया था, मैंने अपने घर में खाना खाया। तो चलो उठ और कड़ाओ उठते सब। चुप कर कुत्ते। खैर ये सब गए हुए थे, इसमें बस लोग तो प्रोग्राम वाले तो सब नहीं है, लेकिन खैर फिर भी कुछ लोग तो पीटीआई वाले थे। तासुम पीटीआई वाले गुड तासुम माशाल्लाह प्रोग्राम में थी भाई। ये सब गए हुए थे प्रोग्राम के लिए। तो खैर हम लोग व्लॉग स्टार्ट करते हैं, लिहाजा अभी चलते हैं, अगर रोड खुला रहा तो जाएंगे वरना वैसे ही बैठे रहेंगे। 15 minutes later. आपके भाई ने मजबूरन गाड़ी अंदर कर ली यहाँ पे, उन लोगों को मैंने पैदल भेज दिया क्योंकि लंगर रोड का यही हाल है। आप लोग देख सकते हैं पूरा रोड बंद है, वहाँ पे सॉन्ग्स भी लगे हुए हैं। तो खैर ये सब डॉक्टर रामचंद के हाथ से आ रहे हैं। तो यार बस मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बस दरवाजे को बंद करके इस दरवाजे को बंद करके जाऊंगा वापस, क्योंकि जाने का कोई फायदा नहीं है। बात तो सही है। तो खैर आपका भाई ना उम्मीद होकर घर जाएगा और वहां पे एडिटिंग वगैरह करेगा, वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेगा। तो खैर बस पीटीआई वालों को बहुत बहुत मुबारक, बस खुशी। लेकिन मैं एक बंदे पे बहुत बहुत सैड हूँ, बहुत पुख्तों में कहते हैं ना डेर जब खफेम, वो एक बंदा आप लोग जानते हैं कि मैं किस पे ज़्यादा खफा हूँ। खैर क्या कर सकते हैं, अब जाता हूँ घर, लोगों से मिलता हूँ और लाख को कंटिन्यू करता हूँ। A few inches later. यार एक बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, आसानी भी हो रही है लेकिन जब बारिश हुआ है ना ये पिछले दिनों और स्नोफॉल भी हुआ है तो उसके बाद मौसम ऐसा गर्म हुआ है। मैं नहीं मानता। क्योंकि जब आपका भाई पहले पहले इन सर्दी में मैं ठंडे पानी से नहाता था तो मुझे ठंड महसूस होती थी, फिर शाम के वक्त और रात को ये हड्डियां दर्द करती थी। क्या साबित करना चाहता है तू? लेकिन अब मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल हूँ, क्योंकि इस तरह ना मुझे ठंड लग रही है ना सर्दी लग रही है। तो इट्स मीन्स छे मौसम चेंज हुआ है, मतलब बारिश के बाद वो सर्दी नहीं रही। अच्छा, अब मौसम थोड़ा गर्मी की तरफ जा रहा है। तो बस इस साल गर्मियाँ बहुत ज्यादा हूँ। गाड़ी वाले ऊपर अभी गाड़ी ने मार लिया हुआ होता।
क्या करे, एक साइड पे जनाने औरत ही आती है, इस वजह से साइड चेंज करना पड़ता है। खैर नमाज के लिए जा रहा हूँ, नमाज पढ़ के फिर वापस आप लोगों से मिलता हूँ। A few minutes later, मैं आया नमाज से, मैं ऊपर जा रहा हूँ। हाँ हरीन, चले वापस ही राजी आजा बारी। ये इसलिए मेरे पास आ रही है कि इसको चॉकलेट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चॉकलेट दे पकार दे, मैंने बताया ना इसे चॉकलेट चाहिए, इसलिए ऊपर आ रही है। और ना मेरे पास ये बच्चे सिर्फ चॉकलेट के लिए आते हैं। हाँ रैया, निशापर में क्या है? शरबत। शरबत ये है। हाँ तो ये है हरीर, हरीर खाई। इसको मैंने चॉकलेट दिया, लेकिन अब इसके घर जाने का टाइम हो गया है, क्योंकि इलेक्शन ख़त्म हुआ, इनकी ड्यूटी हो गई, अब ये जा रहे हैं अपने घर। तो मैं इनको किधर छोड़ रहा हूँ? चलते जी पल कोलता। हाँ तो मैं इनको छोड़ रहा हूँ, तो चलिए चलते हैं। सामान को रख दिया है, अब रैया ने दरवाज़ा खोलेगा और हम जाएंगे इन्हें छोड़ने। ओके हाँ जी, तो हरीर वालों को छोड़ आए, मेरे साथ है रैयान। रैयान संग गई बराबर। तो ये मैं अभी जिस गांव में हूँ, इस गांव का नाम है चालियार। तो यार यहाँ के बड़े मेहमान नवाज लोग हैं और बड़े अच्छे लोग हैं, और गांव का माहौल बहुत अच्छा होता है। तो ये बहुत बड़ा गांव है यहाँ का। तो ये है चालियार की गलियाँ। तो इन गलियों में आपका भाई अभी रात की पता नहीं कितने बज रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी हम इन गलियों में घूम रहे हैं। घूम क्या रहे हैं कि बस अपनी गाड़ी के पास जा रहे हैं, क्योंकि आपके भाई को ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं रहना। एहे, रहा नहीं जाता। ठीक तो रही है ना? अब जाएंगे मफाज वालों को पिक करेंगे, क्योंकि मफाज मुआविया गुलीना वो लोग गए हैं। मैंने आप लोगों को दोपहर को बताया था कि वो लोग गए हैं किस चीज़ के लिए, सोबत के लिए। क्या? तो खैर उनको भी पिक करना है, उनको भी घर लेकर जाना है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये कुछ काम थे जो हमने किए, हम अपनी गाड़ी में बैठेंगे और जाएंगे। Meanwhile, हाय इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन गनी खान की ये गजल क्या करे, ये सुनसान रातें और सुनसान सड़क और ये जपदे पहागे नयम का मस्जिद का बुतखाना था, जो जानान पकी उसी की हम हगजमा का बदा। हाय हाय हाय, क्या कहे इसका। Tomorrow. अबे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग यार, वेलकम हो गया है आप लोगों का तनवीर के व्लॉग्स में। कल हो गया था, लेकिन आज मैं फिर से वेलकम कर रहा हूँ तसंग है। यार ये बंदा बहुत शैतान है, बहुत ज्यादा। तो खैर रैया ने मेरे साथ समान है, अरूज है और क्या है, ईशाल है। हाँ तो ये सब है मेरे साथ, और आपका भाई जा रहा है किसी को पिक करने। तो मैंने जाना है उधर शालपिन गांव, लिहाजा बौरा ही जाना है, लेकिन आप लोग नहीं जानते ना शालपिन को जानते हैं। हाँ और से और कुलाव का सामान आ रही है ना, तो और कुलाव का मुंग बकी रुमा तलारों का सामान। तो खैर हम जाते हैं वहाँ, गाड़ी को भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने जाना है शालपिन, लिहाजा इसी लॉक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लाख पसंद आया होगा। तो जिनको पसंद आया वो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। वही वीडियो लाइक कई वही वीडियो लाइक कई गुड गुड। तो इसी दुआ के साथ खत्म कर दिया कि खाद रहे, आबाद रहे। अल्लाह हाफिज।